बेचारे को तकलीफ होगी, ऐसा यस मत करो आप लोग भाई। किसी के बस पर्सनल डिफिकल्टीज को आप समझा करो, वो एक तो जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है अपनी, उसको फिर ऐसा पब्लिक डोमेन में डाल देते हो। गलत पोर्टल एंट्री से पोर्टल आप लोग पोर्टल को इतना क्यों इम्पोर्टेंट देते हो, जो फॉर्म भरते हो उसको क्यों नहीं भरते? पोर्टल तो एक कॉमन होता है, वो तो चेंज, फॉर्म में चेक करो ना, फॉर्म में अगर गड़बड़ है तो गड़बड़ है। पोर्टल तो बहुत टेक्निकली, ये सब बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी लगा देते हो, हम लोग उतने जानते भी नहीं। दिसंबर 24 के पहले सबका अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, तब तो माने जाएगा कि आप लोगों का टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड इंस्टीट्यूशन है, अदरवाइज तो कोई मतलब भी नहीं होगा। इंस्ट्रक्शन में इन दिस केस स्टेट गवर्नमेंट इट इशू द एडवर्टाइजमेंट टू द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर द वेरियस पोस्ट नाउ द पिटीशनर बीइंग हैंडीकैप कैटेगरी सी सी वाज अप्लाई टू द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर कंप्यूटर ऑपरेटर नाउ विद इन प्रिस्क्राइब टाइम ही हैज करेक्टेड हिज एप्लीकेशन फॉर एंड ही हैज मार्क नो अगेंस्ट द सी हाँ आई टी वे कॉलम देखेंगे तो पेज नंबर 48। क्या हुआ डॉक्टर साहब? हाँ इसके पहले हमने एस किया था नाउ दे आर अब विद इन प्रिस्क्राइब टाइम दे हैव करेक्टेड हिज एप्लीकेशन फॉर एंड ही वाज मार्क एज नो नाउ दे आर आफ्टर द रिजल्ट वेल डिक्लियर बट दी 10 नंबर हैज बीन रॉन्गली अवार्डेड टू मी नाउ आई हैव इमीडिएटली मेड एन एप्लीकेशन फॉर डिलीटिंग एंड ओमिटेड द 10 नंबर्स विच हैज बीन रॉन्गली ग्रांटेड मी। आप हैंडीकैप नहीं हो, नहीं हैंडीकैप हूँ सर वो एक आई एक सर्टिफिकेट का ये होता है सीआईटी सर्टिफिकेट में 10 नंबर इन लोग बोनस देते हैं तो हाँ 200 मैंने पहले यस किया था बाद में नो किया हाँ तो उसके बावजूद मेरे को 10 नंबर दे दिए तो मैंने तुरंत एप्लीकेशन लगाया कि वो 10 नंबर जो मेरे को दिए उसको डिलीट करते हुए तो मेरा नाम कंसिडर इससे करके उसको हैंडीकैप डिलीट वाला, कर। हैंडीकैप वाला कोई इशू, कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं तो हैंडीकैप वाला नहीं है कहाँ सर। बताते हो किसी की पर्सनल डिफिकल्टी को, कहाँ बताते नहीं हो? नहीं नहीं मतलब भाई देखो कैटेगरी आप कैटेगरी लोग नहीं, बताते नहीं नहीं कैटेगरी वगैरह कुछ नहीं होता, हाँ 10 नंबर तो अलग हर किसी को मिलना है, हाँ हाँ अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, तो हाँ कहाँ वो है हैंडीकैप बता के ऐसा करना चाहते उसके बाद हो? क्या हुआ सर नहीं नहीं नाउ ये गलत बात है, किसी की पर्सनल डिफिकल्टीज को अनलेस नॉट रिक्वायर्ड प्लीज डोंट ओपन डिस्क्लोज इन द पब्लिक डोमेन, बेचारे को तकलीफ होगी, ऐसा यस मत करो आप लोग भाई। किसी के सॉरी पर्सनल डिफिकल्टीज को आप समझा करो, वो एक तो जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है अपनी, उसको फिर ऐसा पब्लिक डोमेन में डाल देते हो, अच्छी बात नहीं है। यस एंड देयर आफ्टर वन दिस वेरियस रिट पिटीशन वी आर फाइल्ड अगेंस्ट द सेम रिक्रूटमेंट नाउ पेज नंबर 24 द मालाड हैव डायरेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट द कमिटी एंड कंसीडर द केस ऑफ द पिटीशनर्स इन इंडिविजुअल कैपेसिटी नाउ द स्टेट गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूट द कमिटी एंड वाइड एन एग्जाम मतलब पेज नंबर 21 दिस ये दिस इज द केस स्टिल फाइनल पेंडिंग, ऑर्डर। पेंडिंग है अभी भी, क्या हुआ इसमें, इनका क्या नहीं उसके बाद प्रॉब्लम है? इन्होंने मतलब दी पेज नंबर 21 हाँ ठीक है ना, नाउ बताओ। द स्टेट गवर्नमेंट हैज सबमिट दी रिपोर्ट हाँ एंड कैटेगरिकली स्टेटेड बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट द रिपोर्ट इज फेवरेबल टू द पिटिशनर हाँ नाउ दे आर रेडी टू कंसीडर द केस ऑफ द पिटिशन फिर क्या प्रॉब्लम है? नाउ टिल दैट दे हैव नॉट कंसीडर नाउ इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग द केस ऑफ द पिटिशन दे हैव इनिशिएट द काउंसलिंग प्रोसेस। क्या हुआ भैया सर फिर? एक्चुअली क्या है सर ये पहले डीवीसी और स्क्रूटनी में रिजेक्ट हुए थे हाँ फिर एक कमिटी स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूट कर दी उस समय ऑनरेबल कोर्ट में चल रहा था वो हाँ कमेटी ने करीब 95 प्रकरण में ये कहा कि दीज मैटर शुड बी रिकंसिडर्ड और उन्होंने उसको पुनर्विचार के लिए अनुशंसा किया तो वो मैटर सर वापस हम लोगों ने डीवीसी और स्क्रूटनी कमेटी को भेज दिया है जहां तक सर इन्होंने जिस ऑर्डर पे कंटेम्प्ट यहाँ पे क्लेम किया है सर उनमें से किसी का अभी तक ना हमने रिजेक्शन भी नहीं किया है और ना डिसाइड तो नहीं हुआ है क्योंकि सारे प्रकरण फिर से डीवीसी देख रही है और वो वहां से फिर निर्णय हम लेते जाएंगे तो अभी इनको रिजेक्ट तो किया नहीं है और जो नेक्स्ट फेज काउंसलिंग शुरू हुई है सर वो कोई इनकी पोस्ट को हम वो खत्म करके तो नहीं कर रहे हैं वो तो फेज वाइज प्रोसेस है सर 920 पोस्ट है उसको तो रोक नहीं सकते और इनका केस अभी रिजेक्ट भी नहीं हुआ इनको रिजेक्शन भी नहीं मिला होगा अभी नहीं मिला नहीं। तो रिजेक्ट वाली सवाल ही पैदा नहीं होता अरे सर। तो कहाँ हर बढ़ा रहे हो इतनी जल्दी कोर्ट हाँ आने की, क्या क्या शौक? अरे भाई जब कर रही गवर्नमेंट तो कहाँ है चिंता, अभी कोई कंटेंप्ट का कारण नहीं है अभी देखिए अभी। सर अच्छा ये बताओ, 95, एक मिनट, यस फेसबुक जी, 95 केस स्पेशल कैटेगरी के निकले, ठीक है, जी अब 95 में अभी किसी एक को दिया क्या आपने अभी तक? 95 में सर ग्रेजुअली हम देखते जा रहे हैं हाँ अगर अगर यहाँ डायरेक्शन होगा तो हम इनको भी नेक्स्ट वीक डिसाइड करके इनको भी दे दे देंगे दो भाई, कर दो, क्या दिक्कत है?
नेक्स्ट वीक तो हम एक चल काम देते करो ना, अभी पूरी 95 को खत्म कर दो, डिसाइड ही कर दो। देखो चीजों को प्रोलॉन्ग करते हो ना तो उससे मन में संदेह की बू आती है, एक्चुअली सर इनके केस में ये हुआ था कि 10 नंबर बोनस जुड़ गया गलती से। हाँ और वो इन्होंने यस किया पोर्टल में, 10 नंबर बोनस जुड़ गया। बाद में ये चाहते हैं कि 10 नंबर घटा के हम इनका मेरिट कंसीडर करें, पर मेरिट सर व्यापम बनाता है और व्यापम एक बार मेरिट बन गया शासन उसको कहाँ से डिस्टर्ब करेगा। और सिर्फ एक नाम भी हटाएंगे सर तो पूरा मेरिट फिर चेंज होगा, तो वो इस तरह से नहीं हो सकता कि फिर इनका अपॉइंटमेंट ही गड़बड़ है इन्हें। उस पर। ऐसे और भी प्रकरण है सर, और आप भी प्रकरण है जिसमें गलत पोर्टल एंट्री से लोग पोर्टल को इतना क्यों इंपॉर्टेंट देते हो, जो फॉर्म भरते हैं उसको क्यों नहीं भरते? पोर्टल तो एक कॉमन होता है, वो तो चेंज होता है टेक्निकली। कंप्यूटर का हमने एक बार उसको भी बुलाए थे, जब वो टीचरों की भर्ती हो रही थी तब भी हम भी बुलाए थे पोर्टल वाले। ये जी, पोर्टल जो बनाते हो वो तो बड़ा अजीब चीज है। जी आप फॉर्म में चेक करो ना, फॉर्म में अगर मैं गड़बड़ है मैं तो गड़बड़ है। होटल तो बहुत टेक्निकली, ये सब बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी लगा देते हो, हम लोग उतने जानते भी नहीं ना, ये बेचारे यहाँ के लोग जानते होते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। अब होटल के चक्कर में सब गड़बड़ है। तो जी सर एक काम करो, कितने केस स्पेशल बचे आपके पास? 95 अभी एग्जैक्ट फिगर तो 95 तो टोटल थे जो गए थे कंसिडरेशन, गए थे। हाँ एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है अभी मेरे पास, फिर भी अरे कुछ हो गए उसमें से, वो दैट आई हैव टू टेक, वो डेटा मैं ले लूंगा सर वो उनसे। बताइए ना, 2:15 बजे बताइए कि और कितना आप अपने अदालती से डिसीजन ले लीजिए कि इतने दिन में पूरे 95 को निपटा देंगे। हाँ पूछ लेता हूँ वो बता दीजिए, तो पूरे 95 को खत्म कीजिए। क्या है देखिए, आप भर्ती तो कितने दिन से चल रही है, 23 की है, अब 24 खत्म होने में आ रहा है। जी। अब ऐसे में क्या होता है, मैसेज बड़ा खराब जाता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। 24 24 का के पहले तक, दिसंबर 24 के पहले तक का अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, तब तो माने जाएगा कि आप लोगों का टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड स्टेशन है, अदरवाइज तो कोई मतलब भी नहीं होगा। इंस्ट्रक्शन मैं ले लेता हूँ सर सवाल आप, भी बता दीजिए, और इनका केस अगर डायरेक्ट करेंगे तो हम अलग से कर देते हैं सर इनको। कर दीजिए नहीं, हमको हम तो पूरे 95 को ही करवा देते हैं। अलग से करने से फेवरेटिज्म दिखेगा ठीक है सर, नहीं, मैं नहीं एक चीज बता रहा नहीं हम किसी का फेवरेटिज्म नहीं नहीं, होने वो नहीं देंगे। पर हाँ मैं ये जो बता रहा सर, 95 ने इन्होंने स्क्रूटनी किया था जिसमें से रिपोर्ट में 15 केस जो ये है जो आर्डर हुआ, 15 केस में जो रिपोर्ट है इन पिटिशनर के फेवर में था, इसलिए 15 के डिस्पोज आप करके पेंडिंग रखें, उसको बोले हम इंडिविजुअली डिसाइड करेंगे ये है। अरे पूरे 95 को खत्म करो ना एक दिन में, कोई हाँ कोई 1 घंटे का काम है मिश्रा जैसे बस्ती। 15 मात्र मैं 15 केस में ही अरे डिस्पोज आप करें। 95 में एक दिन का हाँ काम है। इंस्ट्रक्शन लेके आप अब बता रहे बता हैं दीजिए, 2:15 बताइए, ठीक है बताइए इसको खत्म करो। भर्ती ठीक को तो रोकना नहीं चाहिए कभी भी, टेक डिसीजन, बताइए 2:15। सर, थैंक यू। सिलेबस 15 सी अब्दुल वहाब खान।